नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग सीनियर सिटीजन कार्ड तो बनवा लिए हैं, बनवा करके उसको घर पे लेके बैठे हुए हैं, उसका यूज कैसे करना है, कहां पे उसका यूज हो रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं। फायदे तो इसके 25 से 30 हैं, पर आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे फायदे के विषय में बात करने जा रहा हूं जो आप लोग रोज उसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है, बनवा करके रखे हैं और मेरे पास बहुत से कमेंट कर देते हैं कि सर जी हमने कार्ड तो बनवा लिया मगर इसका मतलब क्या है, कहीं कुछ फायदा ही नहीं है। वो इसलिए है कि आपको जानकारी नहीं है, नहीं तो सीनियर सिटीजन कार्ड के बहुत फायदे हैं। ऐसे ऐसे फायदे के विषय में आप लोगों को बताऊंगा आज 5 फायदों में, स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 करके बताऊंगा। आप हो सकता है कि एक का स्टेप मालूम भी हो पर पांचों नहीं मालूम होंगे, इसलिए आप सबको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वीडियो बहुत ही सर्च करके बनाता हूँ, सच बनाता हूँ कि लोगों को मेरे पास कमेंट आ जाते हैं तो उसका मुझे सोल्यूशन देना पड़ता है, और ये कमेंट देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार के लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, अगर छोटा मैटर रहता है तो मैं उसको कमेंट बता देता हूँ, बड़ा मैटर रहता है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोगों को वो 5 फायदे बताने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा 5 फायदे क्या क्या हैं। अगर आप लोगों को सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना है, कहाँ बनेगा, वो पूरा मैटर मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल में जाकर विजिट करके सीनियर सिटीजन कार्ड के विषय में पूरी जानकारी ले सकते हैं। फायदे के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नंबर 1 से चालू करूँगा, नंबर 5 तक चलूँगा। दोस्तों आप लोग पूरा 5 देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा सही से, ताकि इसका फायदा आप ले सकें, और जो इसके 25 से 30 फायदे हैं अगर उनकी जानकारी लेना है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा कि अगर लोगों की आवश्यकता है तो वीडियो बन के तैयार है तो मैं उसको पैकेज को आप लोगों तक डाल दूंगा, तो आप लोग पूरा का पूरा सीनियर सिटीजन कार्ड के जितने ढेर सारे फायदे हैं उसको आप जानकारी ले सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ मैं, नंबर 1 ट्रेवल में छूट। आप जब यात्रा करने जाते हैं तो उसमें छूट मिलती है, किस प्रकार से, पहले तो ट्रेन में भारी छूट मिलती थी पर कोरोना काल से उसको बंद कर दिया गया है, अब ट्रेन में छूट नहीं मिलती है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड धारक रेलवे टिकट में छूट प्राप्त कर सकते थे पर अब वो कहानी खत्म हो चुकी है, साथ ही हवाई यात्रा में भी कुछ एयरलाइंस द्वारा विशेष छूट दी जाती है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कुछ एयरलाइंस हैं कि जो छूट सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं, कार्ड दिखाएंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। 5 सुन लीजिएगा, शायद आपके कोई ना कोई काम में रोजमर्रा वाले में आएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं, आप लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा के रखे हैं पर स्वास्थ्य सुविधा में कैसे आपको फायदा लेना है। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर होते हैं, आप जब जाते हैं तो वहां पर से लिखा रहेगा सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक काउंटर, आपको वहीं पर जाके खड़े होना है जहां उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही कई निजी अस्पताल भी सीनियर सिटीजन को छूट प्रदान करते हैं, जैसे कुछ पैसा आप कितना होगा, सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास है तो आपको उसमें भी छूट का प्रदान किया जाएगा, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, और ये हर एक घर में लोगों को किसी न किसी दिन लगा ही रहता है तो इसका आप विशेष तरीके से फायदा ले सकते हैं। स्वास्थ्य को बता दिया, यात्रा के लिए बता दिया, मैं रोजमर्रे वाले बता रहा हूँ अभी खाली 5। अब बैंकिंग सुविधाएं, ऐसा कौन सा आदमी नहीं है कि बैंकिंग का काम नहीं होता, बैंकिंग के विषय में जान लीजिए, बैंक में आपको क्या छूट मिलेगी। बैंक में FD कराने पर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दर दी जाती है, यह कार्ड इस लाभ को प्राप्त करने में बहुत बड़ा मदद करता है। अगर यही चीज को आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, जब पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस बैंक से भी ज्यादा सीनियर सिटीजन कार्ड वालों को FD में ज्यादा ब्याज दर देती है, और एक बात मान के चलिए आप लोगों को टैक्स में भी छूट दी जाती है। ये सरकारी आपको बैंकिंग वाले कार्यों के विषय में बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास पैसा ढेर सारा है तो आप उसमें टैक्स में भी सरकार छूट देगी। अगर आप जा करके डाक बैंक से ज़्यादा, अगर पोस्ट ऑफिस में आप पैसा FD कर रहे हैं तो बैंक से ज़्यादा ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस दे रही है सीनियर सिटीजन कार्ड वालों के लिए।
चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ। आप सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, उस चीज को सीनियर सिटीजन कार्ड धारक कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, सामाजिक सुरक्षा योजना हो गया, स्वास्थ्य के विषय में सुविधाएं हो चुकी हैं। सरकार जहां पर सीनियर सिटीजनों के लिए अलग से लाइन लगा देता है उसका सुविधा ले सकते हैं। टैक्स में जो सरकारी टैक्स होते हैं उसमें आप छूट ले सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड की। ये सरकारी टैक्स के विषय में, सरकारी योजनाओं के लाभ के विषय में हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो सरकार सीनियर सिटीजन को पहुंचाते रहते हैं, तो जैसे वो कोई अगर ऐसी योजना आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, मैं तत्काल आप लोगों तक बता दूंगा। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आप लोगों का कि अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, लेट लपेट हो रहा है, तो अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड धारक हैं तो आप अगर बात करते हैं अपने वकील से तो आपका मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो जाएगी, आपका उसका निवारण ज्यादा हो जाए जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जितने लोग हैं सबको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि या तारीख पे तारीख डायलॉग भी चले हैं, तो उसके मैं विषय में बात नहीं करूंगा, हीरो हीरोइन के मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं। तो आप उसका सच में ऐसा फायदा ले सकते हैं कि आप तारीख पे तारीख जो मिलती रहती है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये सीनियर सिटीजन कार्ड के पांच बेहतरीन फायदे हैं, और बहुत सारे फायदे हैं, अगर उनको आपको लेना है, जानना है, तो उसके लिए वीडियो में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा। अगर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो का पैकेज आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। 25 से 30 ऐसे फायदे हैं कि आप लोग एक नोट्स लेकर तैयार कर लीजिएगा, तो बार बार आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, और 25 से 30 फायदे वो आप रोज लेते रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।